नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर अपोलो हॉस्पिटल ने बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। हॉस्पिटल ने सबसे तेजी से घुटने के 100 सफल रोबोटिक ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी की है। ये सफलता हॉस्पिटल के उस लक्ष्य को दर्शाती है कि वो अपने मरीजों को हड्डियों और जोड़ों के इलाज में नवीनतम तकनीकों का लाभ प्रदान कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में NCR छोड़कर पहला ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां घुटने और जोड़ों की सर्जरी के लिए रोबोटिक सिस्टम के साथ ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डिक सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, जनरल सर्जरी, थोरासिक सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए अत्याधुनिक दाविंची XI रोबोट भी उपलब्ध है। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, चेयरमैन आर्थोपेडिक्स एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ, ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। सर्जरी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और प्रदेश में अभी इसका उतना एक्सेप्टेंस नहीं था, अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम उसको अपने पेशेंट्स के लिए अवेलेबल कराएँ ताकि उनको और बेहतर सुविधाएँ मिलें। और ये हमारा सफ़र साल भर का बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि हमारे पेशेंट्स, हमें खुद एक जो सेटिस्फैक्शन है सर्जरी का कि हमने बेहतर से बेहतर चीज़ अपने मरीजों को दी और उसके जो रिज़ल्ट हमें मिले हैं वो वाकई इनकरेजिंग। हम लोग ने कुछ पेशेंट्स को भी कॉल किया था, शायद अभी आए होंगे तो आप मिलकर उनसे भी बात कर सकते हैं कि उनकी क्या फीलिंग है, वो किस तरह से फील कर रहे हैं। पेशेंट्स रोबोटिक सर्जरी या सर्जरी की बात करें, सर्जरी में सबसे बड़ी चीज़ होती है मरीज का अपने सर्जन पे फेथ। तो बहुत से पेशेंट्स का ये कहना था साहब हमें रोबोट से नहीं कराना, हमें आपसे कराना। तो देन हमें उनको समझाना पड़ा कि भाई रोबोट इज़ माय असिस्टेंट, रोबोट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस मी। ऐसा नहीं कि मैं हट जाऊँगा और रोबोट सर्जरी करेगा। रोबोट हमारी प्लानिंग, हमारी सर्जिकल स्किल्स को एनहांस करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा और बेहतर रिजल्ट हम मरीज को दे पाएंगे। तो धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स ने मना किया कि नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम रेगुलर ही कराएंगे। लेकिन बहुत से पेशेंट का ऐसा था जिनका एक रेगुलर किया और दूसरा भी उन्होंने रोबोटिक कराया, क्योंकि उन्होंने और रिजल्ट देखे हॉस्पिटल में जब थे कि जो रोबोटिक में उनके रिजल्ट बेटर थे, तो उन्होंने कराया। तो धीरे धीरे किसी भी नई चीज़ की एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब कोई इशू नहीं है। अब तो पेशेंट खुद आते हैं कि हमें रोबोटिक ही कराना। सर, ये रोबोटिक जो ट्रांसप्लांट है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ये? अभी मेट्रो सिटीज में, दिल्ली बॉम्बे में तो बहुत जगहों पर अवेलेबल है, बट यूपी में। सर, क्या फ़ायदा है रोबोटिक सर्जरी? रोबोटिक सर्जरी इज़ मोर प्रिसाइज। सबसे बड़ी जो चीज़ है, जॉइंट का जो अलाइनमेंट होता है वो जितना बेहतर होगा वो जॉइंट उतना बेहतर काम करेगा और उतने लंबे समय तक चलेगा। तो रोबोटिक प्रिसिशन जो है ये बहुत बेहतर है। अगर आप जनरल रेगुलर सर्जरी की बात करें तो उसमें अगर हमें 70% प्रिसिशन मिलता है तो रोबोटिक में 95% प्रिसिशन मिलता है। तो वो प्रिसिशन मरीज की बॉडी में, जब हम इम्प्लांट को लगाते हैं तो वो बॉडी के हिसाब से परफेक्टली प्लेस करता है और इसीलिए वो जॉइंट बेटर फंक्शन करता है, उसकी लाइफ मैक्सिमम होता है। सर, सबसे बड़ी बात है कि घुटना प्रत्यारोपण में खर्च लगभग कितना आता है, क्योंकि आम आदमी ये जानना चाहता है कि खर्च क्या होगा। खर्च हम लोगों के यहाँ करीब करीब, मतलब अगर आप रेगुलर रिप्लेसमेंट की बात करें, 2.5 के आसपास का पैकेज है। खर्चा सब जगह ऑलमोस्ट इतना ही आता है। रोबोटिक की अगर कॉस्ट की बात करें तो हम रोबोट के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पेशेंट से नहीं करते, सिर्फ जो रोबोट में डिस्पोजेबल आइटम्स यूज होते हैं उसकी कॉस्ट पेशेंट को करता है, वो करीब करीब 50,000 के आसपास। तो सब क्या कहना चाहेंगे, अब तो और भी लेटेस्ट मशीन आ चुकी हैं लगातार सर्जरी। ये जो नी रोबोट है ये हम लोगों का सबसे लेटेस्ट, सबसे आधुनिक और सबसे जो अभी तक का बेस्ट रोबोट है वो है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इट इज़ ऑलवेज मैन बिहाइंड दी मशीन। मशीन तो अच्छे से अच्छी ली जा सकती है, लेकिन जो डॉक्टर संजय श्रीवास्तव उस मशीन से कर सकते हैं और जितनी अच्छी सर्जरी हो सकती है वो शायद उतना अच्छा रिजल्ट मुश्किल से मिले बिकॉज ऑफ हिज वेरी गुड एक्सपर्टीज़। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसी कारण से ऐसा है कि एवरी सेकेंड थर्ड डे हमारे यहाँ एक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट हो रहा है और मरीज खुश। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।